हेलो एवरीवन, आज हम लेमन से स्क्रब बनाने का काम करेंगे। इसको हम अपने फेस पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें थोड़ी सी चीनी चाहिए एज ए जो हमारा काम करेगा स्क्रब का। तो हम लेमन को इसमें डुबो के अपने फेस पे लगाने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने मेरे फेस पे देखा है कि मेरे फेस पे बहुत से पिंपल्स हो रखे हैं, तो ये मेरे पिंपल्स को हटाने का भी काम करेगा, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं स्किन को वाइट करने के लिए, तो उसमें विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो जो लेमन है वो तो प्योर ही विटामिन सी है, तो इसलिए हम अपने फेस पे उसको लगाएंगे विद शुगर। हम उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, वो हार्म कर सकता है स्किन को। फिर थोड़ी देर बाद हम उसको अपने हल्के हाथों से रगड़ेंगे, ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए हम 5 मिनट लगाएंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अपने फेस को 5 मिनट के लिए एज इट इज़ ही रहने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, हम सर्कुलर मोशन में वो चीज़ करेंगे, तो हम 5 मिनट के लिए वो चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम टाइम देख लेंगे, तो टाइम देखने के बाद हम उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हाथों पे भी लगा सकते हैं। अब हम टाइम देखेंगे, टाइम देखने के बाद हम उसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तो उसके बाद फेस वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश कर लिया है, तो रिज़ल्ट जैसे मैंने पहले ही कहा था, 1 मिनट में नहीं आएगा या एक बार में नहीं आएगा, तो इसके लिए टाइम लगता है। तो ये रात को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप नाइट क्रीम, मॉइस्चराइज़र कुछ भी लगा के, जो भी आप लगाते हो, फिर वो लगा के आप इजीली वहाँ आराम से सो सकते हो, क्योंकि नाइट में वो चीज़ ज़्यादा असर करती है। तो आप नाइट में अच्छे